मैच द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में चार ऑप्शंस दिए हैं और इन ऑप्शंस को हमें नेक्स्ट जो टेबल दी है इन ऑप्शन से मैच करना है, और इसके लिए हमें राइट ऑप्शन ऑप्शन आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ऑप्शन राइट होगा जो करेक्ट मैच है। तो क्वेश्चन जो है 2014 में पूछा गया था, देखते हैं ऑप्शंस को हम। फर्स्ट है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल के बारे में अगर हम देखें चारों ऑप्शंस में से, तो हमें कुछ मैच करता हुआ लग रहा है फोर्थ ऑप्शन, बिकॉज सेंट्रियोल की जो स्ट्रक्चर है वो मैच करती है बेसल बॉडी सीलिया एंड फ्लैजिला से। सो हम इसको मैच करेंगे फोर्थ ऑप्शन से। सेकंड ऑप्शन है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो है इससे मैच करता हुआ ऑप्शन है थाइलेकोड्स, बिकॉज क्लोरोफिल जो है ये मिलते हैं क्लोरोप्लास्ट में एंड थाइलेकोड्स में मिलते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर। इसके बाद में थर्ड है क्रिस्टी। क्रिस्टी से मैच कर रहा है फर्स्ट ऑप्शन, बिकॉज दीज आर दी इनफोल्डिंग्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। फोर्थ ऑप्शन है राइबोजाइम्स। राइबोजाइम्स आर प्रेजेंट इन न्यूक्लिक एसिड। सो देखते हैं कौन कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पर दिया है। फर्स्ट में आएगा फोर्थ, मीन्स फर्स्ट एंड फोर्थ में ये दिया है, तो दोनों ऑप्शन तो रॉन्ग हो जाएंगे हमारे। इसके बाद में बी जो है, बी में दिया है क्लोरोफिल के साथ में सेकंड, तो ये जो हमारा थर्ड ऑप्शन है ये भी रॉन्ग हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बी में थर्ड दिया है, तो सेकंड ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। सी और डी भी देख लेते हैं। सी में आएगा हमारा फर्स्ट जो कि राइट है, डी में है हमारा थर्ड जो कि राइट है, तो राइट ऑप्शन होगा फर्स्ट।